आपको थैंक यू करूंगा कि बहुत अच्छा है स्लीपिंग पैटर्न जो आपने बताया सबके लिए। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। एट द एज ऑफ 48 मेरे को कुछ एक्सीडेंट से एकदम हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। एक महीना मैं एडमिट रहा। उन्होंने मुझे स्लीप के लिए स्लीप रेस्ट और कुछ ऐसी मेडिसिन दी और एक महीने में कभी दिन में आती थी कभी नहीं। आफ्टर 1 month आई हैव टू टेक द मेडिसिन फॉर एंग्जाइटी डिप्रेशन इंसोमिया दैट आई हैव टेकन क्लोरोटिन 3 क्लोरोटिन 0.2550 और 1 में भी इन 9 PM देन 1 बिटवीन 1 to 2 एंड बिटवीन 3 to 4। इवन देन स्लीप इज नॉट प्रॉपर। देन आई हैव टू टेक बीपी टेबलेट्स। देन आई हैव टू टेक शुगर टेबलेट्स दैट इज लाइकली टू 16 ईयर। एंड माई कॉन्स्टिपेशन इज आई थिंक 150 ईयर्स बिकॉज आई हैव सीन माई दादाजी को पिताजी को रोते देखा तो मैंने कहा ठीक नहीं होगी। और मैंने पेन किलर भी बहुत सारी ली। मेरी हर बॉडी पार्ट की फिजियोथेरेपी भी हुई। 3 साल मैंने पाइस की ली प्रोस्टेट की ली और पिछले 5 साल से मैंने एक भी टेबलेट नहीं ली ना मैंने कोई पुड़िया ली। आई हैव चेंज माई सेल्फ द ईटिंग हैबिट्स एंड मेनली आई चेंज माई ब्रेन हैबिट्स फॉर हैप्पीनेस। वेरी वंडरफुल। तो आई हैव डेवलप्ड ए हैप्पीनेस हवन विच आई डू फॉर 5 मिनट्स दैट कवर डांस म्यूजिक एंड childhood to adulthood and my sleeping pattern nowadays likely I was in the functions तो कभी कभी मेरे को 10-11 भी बजते हैं। mostly मैं 8 बजे मोबाइल बंद कर देता हूँ और likely sleep between 9 to 10 but wake up time is 2 to 2:30 but I feel very fresh। इतना fresh कि मैंने जिंदगी में कभी भी अब 70 साल में मैं इतना फ्रेश फील करता हूँ इतना कभी नहीं किया। देन आई टेक व्हेन आई वर टेक अनाज देन आई टेक 20 to 40 मिनट्स फ्री मे बी इन द डे अदरवाइज आई डोंट टेक। आई हैव टू गेट फुल डे आई डोंट टेक इट आउट। देन लास्टली आई से मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलता हूँ जिससे मेरी स्लीप हैबिट ठीक हुई। 2 लाइनें क्या हैं कि अब मेरा बर्थ मेरी मदर ने किया। मेरी मदर को या किसी की मदर को डेथ डेट का नहीं पता है। डेथ डेट का हर आदमी की एक मदर है नेचर मदर जहां हमने जाना है उसको पता है। मैं 2 लाइनें जब मैंने रिसर्च करके निकाली तो वो निकल के आई रात को प्रकृति माँ कल सुबह मुझे तभी उठाना अगर आपको मेरी जरूरत है। क्योंकि जब 16 साल में मेडिसिन लेता था आई कैनॉट डू एक्चुअली विद आई कैन नॉट टॉक विद माई वाइफ ऑल्सो विद माई चिल्ड्रन ऑल्सो। अब उसकी मैंने रियलिटी निकाली कि मैंने अपने आप को उनको अर्पित कर दिया कि मैं जो सुबह सेवा करूँगा वो आपकी है। तो नेचर मदर मेरी मैनेजमेंट नेचर मदर करती थी। कहाँ जाना है डोंट रियली नीड दिस टॉक यू ऑलरेडी सॉल्वड ऑल द प्रॉब्लम्स। इट इज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। नहीं नहीं मैं आगे एक और लाइन बताता हूं उसके बाद आगे बताता हूं। अब अगर मैं 2 बजे उठता हूं तो मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 1 से 2 मिनट लगेंगे। अगर मैं 4 घंटे में मेरी नींद पूरी होगी मैं जम मार के देख रहा हूँ तो वाई आई शुड गो फॉर 7 ओटी। ठीक है। सेकंड मैं बोलता हूँ कि अगर प्रीति माँ मुझे उठाओगी देन मेरी बॉडी जो है साफ और चार्ज होनी चाहिए। साफ का मतलब अगर दिन में मैंने कुछ गलत सोच लिया गलत देख लिया गलत सुन लिया गलत बोल लिया गलत सुन लिया तो उसकी ड्यूटी है मुझे सुबह उठ के ही इंडिकेशन दे देती कि ये आपने गलत किया। थैंक यू। और